चकराता तहसील अंतर्गत एक भूमि विवाद सामने आया है, जहां प्रथम पक्ष बिजनू निवासी वासुराम पुत्र स्वर्गीय कलीराम के चंडियारा में स्थित कृषि पट्टे के सीमांकन को लेकर द्वितीय पक्ष रंगेव निवासी अतर सिंह द्वारा एसडीएम कोर्ट में जांच के लिए आवेदन किया गया था, जिसके चलते राजस्व निरीक्षक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बरसात के चलते अत्यधिक घास व खेतों में फसलों के चलते सीमांकन की कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते अग्रिम कार्रवाई तक दोनों पक्षों को भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया। साथ ही पट्टे स्वामी को पट्टे में लगाए गए सेब के पौधों की देखरेख के लिए अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग द्वारा लगभग 1976 में स्वर्गीय कलीराम पुत्र नाथा निवासी बिजनू को पुनः पोखरी सीट में एक कृषि पट्टा आवंटित किया, जो वर्तमान में चंडियारा सीट में स्थित है। तब से अभी तक प्रथम पक्ष के द्वारा ही कई वर्षों से इसमें खेती की जा रही है। अब इतने वर्ष बीत जाने के बाद पिछले 4 वर्षों से द्वितीय पक्ष अतर सिंह रावत ने कृषि पट्टे की इस भूमि के सीमांकन को लेकर विवाद उत्पन्न कर दिया है, जबकि इससे पूर्व 3 बार राजस्व निरीक्षक की जांचों में यह साफ हो चुका है कि यह कृषि पट्टा जहां पूर्व में आवंटित किया गया था वहीं पर स्थित है। उधर बिजनू गांव के ग्रामीणों का भी कहना है कि राजस्व विभाग द्वारा आवंटित ये कृषि पट्टा वासुराम का ही है, हम लोगों ने भी लंबे समय से इन्हीं के परिवार को यहां पर खेतीबाड़ी करते देखा है। अतर सिंह रावत द्वारा इन्हें नाजायज परेशान किया जा रहा है। वहीं प्रथम पक्ष का कहना है कि हमारे द्वारा कृषि पट्टे में पौधे लगाए गए थे, जिसमें द्वितीय पक्ष अतर सिंह द्वारा जबरन अपने पशु छोड़कर उन पौधों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, जैसा कि पूर्व की जांचों में भी साबित हो चुका है। कृषि पट्टा अपनी यथास्थिति पर है, लेकिन फिर भी अतर सिंह रावत द्वारा उन्हें बार बार दबंगई दिखाकर नाजायज परेशान किया जा रहा है। ये जो जमीन है ये मतलब 20 साल से यही जमीन खा रही है, तो जमीन दिखाई इनको हमने 4 डेट दी, 4 भाई लेकिन नहीं आए। वहीं राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार कुकरेती का कहना है कि सीमांकन की कार्रवाई के लिए परिस्थिति सही न होने के चलते कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया है, दोनों पक्षों को अग्रिम कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया जाएगा। दो अलग अलग गांव हैं, इसमें एक रंगियो और दूसरा ये आपका मैंने बिजनू नहीं है, ये आपका चढ़ियारा। तो इसमें दो अलग अलग गांव की सीमाएं हैं जो मौके में देखा है, लेकिन जो वो है सीमांकन के मामले में पूछ आवेदन था वो तो किसी एक व्यक्ति की तरफ से था, उसके ग्राम रंगियो के। तो मौके में हम गए थे तो क्योंकि पहले प्रारंभिक जांच होती है फिर पता लगता है, क्योंकि अभी पहला ही मेरा टर्न है अभी इसका इस क्षेत्र का, तो अभी प्रारंभिक जांच करके मैंने मोटा मोटा देखा है कि कहां पर किसका है, और नेक्स्ट डेट देंगे उनको जहां पर क्लियर करेंगे उनको कि कहां पर किसका है, उसके बाद तब सीमांकन करेंगे। जैसा कि गांव वालों के द्वारा हमें बताया गया है पहले भी 4 बार इसकी जांच हो चुकी है और नपाई हो चुकी है, तब भी अब तक क्यों विवाद इस जमीन पर हो रहा है? तो अब मेरी जानकारी में तो ये है ना, क्योंकि मैं तो फर्स्ट आया हूँ, आज 1 अगस्त है और 31 तारीख को ही मैंने कार्यभार संभाला, तो ये तो उन लोगों को पता होगा कि यार कब हुआ क्या हुआ, दोनों पक्ष वाले लोग हैं। तो आगे आपने आज क्या निर्णय लिया है? ये तो एक रूटीन पर गया था, धारा 41 का वाले पहले प्रारंभिक जांच होती है, प्रारंभिक जांच के बाद पता लगता है कि कहां पर क्या क्या किस चीज़ प्रकार का कहां पर होगा, उसके बाद नेक्स्ट बार उसकी पिलर लगाते हैं कहां पर कहां कहां पर किसकी सीमाएं हैं वो क्लियर हो जाएगा। मतलब आगे का हाँ, ये धारा 41 का जो मामला होता है उसमें सीमांकन का ये होता है कि उसमें पिलर लगाए जाते हैं कहां कहां पर क्या क्या है, और इसका राजस्व अभिलेखों के और उसके एक जो वास्तविक कब्जा दोनों की स्थितियों को देखते हुए उसका सीमांकन किया जाता है।